चलिए अब चलते हैं, अब बारी है बदायूं से सीधा लखनऊ जाने की और इस सफर पर अब हम दागेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह से तीखे सवाल। आइए सफर में आगे बढ़ते हैं। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ एक पूरे दिन का चुनावी सफर कैंपेन ट्रेल, जिसमें हम मथुरा गए और उसके बाद बदायूं, वो सब खत्म करके अब लखनऊ की सवारी है और लखनऊ पहुंचना है जहां पर नामांकन राजनाथ सिंह जी भर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल है सर, और देखिए अब इंटरव्यू की शुरुआत ही मुझे ऐसे सवाल के साथ करनी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन और मायावती पर 48 घंटे का बैन, क्योंकि योगी ने अली बजरंग बली कर दिया और इन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि एक साथ होकर, ये मजहबी चुनावी रंग और उसकी वजह से चुनाव आयोग को आपके मौजूदा मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक को रोकना पड़ा सर? वैसे इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के किसी डिसीजन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई औचित्य नहीं है, कि क्योंकि हेल्दी डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जो भी डिसीजन आ जाए उसका स्वागत है, और यदि किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति है तो जो है किसी कोर्ट में जा सकता है अथवा कंड किसी दूसरी संस्था के पास जा सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, तो मुझे इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन ये रुकना चाहिए ना सर, इस तरह की भाषा, ये तो आप भी उस दिन भी नहीं, जहाँ तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जाति पंथ मजहब की राजनीति नहीं करती है, बराबर हम लोगों ने इंसाफ और इंसानियत की ही राजनीति की है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वैचारिक प्रतिबद्धता का मतलब यह होता है भारत की ही संस्कृति में सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, कि भारत की धरा पर रहने वाले लोग ही एक परिवार के सदस्य नहीं है बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह संदेश देने वाली संस्कृति सारे विश्व में यदि किसी देश की है तो भारत की है, तो इस व्यापक सोच के आधार पर हम लोग राजनीति करते हैं। लेकिन राजनाथ जी, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं, बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद का अवतार बन गए ना योगी जी? नहीं देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा कि जाति पंथ मजहब के आधार पर हम लोगों ने कभी कोई राजनीति की हो। अब कोई संदर्भ रहा होगा कैसे कह गए क्या कह गए उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दे दिया है, उसमें कोई बहुत टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। करूँगा भी। में भी जाना था योगी आदित्यनाथ? नहीं नहीं आने वाले थे, कहा तो। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ 2019 की हर खबर, हर चुनावी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए।